भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आगे मैं एक और नई वीडियो में आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं शैडो फाइट 2। इसमें क्या आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मेरी 22 लेवल हो चुकी थी और हर बार के जैसे पहले मैं खोलूंगा न्यू वेपन जो कि होने वाला है। कौन सा वेपन खोलेंगे हम? ये वाला काफ़ी तगड़ा है देखने में, बट मेकिंग होने में 9 मिनट लग रहा है। तब तक हम एक फाइट कर लेते हैं जो कि होने वाला है भाई बॉस का थर्ड बॉडीगार्ड। तो भाई देखते हैं कौन होने वाला है बॉस का थर्ड बॉडीगार्ड। ये है एक लड़की है जिसका नाम है शार्क। तो शैडो वर्सेस शार्क। यहाँ पे गाइस अभी शार्क को मैंने मेरे ओल्ड वेपन से ही हरा दिया जो कि थी कटाना। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी वो भी चलाने में। तो अभी हम एक और फाइट कर लेते क्योंकि अभी मेकिंग होने में टाइम लगेगा अपने वेपन को, तो जो कि हम करने वाले हैं टूर्नामेंट में। और ये फाइट होने वाली है अभी शैडो वर्सेस कट रोट। तो यहाँ पे गाइस मैंने अभी कतर रोड को भी हरा दिया अपनी कटाना की मदद से। और मुझे लगता है कि भाई अभी तक अपना जो वेपन था उसकी मेकिंग हो चुकी होगी, तो उसको कर लेंगे इक्विप। हाँ ये बन चुका है तो इसको मैंने इक्विप कर लिया। और अब चलते हैं भाई इसको टेस्ट करने। और मैं सोच रहा हूँ पहले सर्वाइवल में टेस्ट करते, देखते हैं हम कितने ज़्यादा राउंड तक इसमें पहुँच पाएंगे। Whoa!
तो भाई यहाँ पे मैं मेरे न्यू वेपन की मदद से सर्वाइवल में 9 राउंड तक पहुंच गया था, जो कि भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी फर्स्ट स्ट्राइक ने तो भाई मजा ही ला दिया। तो मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि टूर्नामेंट में चलते फाइट करते और फिर देखते कि भाई ये कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टूर्नामेंट वाले बॉस को भी मारने में मजा आएगा। चलो देखते अपनी फाइट टूर्नामेंट में किससे होने वाली है। तो यहाँ पे है शेडो वर्सेस लंबरजैक। लंबरजैक को गाइस मैंने काफी ज्यादा इसलिए हरा दिया क्योंकि भाई यार अपना वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया, मुझे लग रहा है ओवर पावर भी अब इसको बोल सकते हो। तो अभी मैं टूर्नामेंट में एक और फाइट करने वाला हूँ, जो कि होने वाली है शेडो वर्सेस प्लग। टूर्नामेंट के लिए तो ये वेपन गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट अब मेरा मन हो रहा है कि भाई इसको चैलेंज में भी चल के टेस्ट कर ही लेते हैं। देखते हैं कि भाई ये चैलेंज में अपने को क्या चैलेंज देने वाला है और अपन इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ फाइट होने वाली है अभी भाई शेडो वर्सेस रावण। रावण को भी गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी से हरा दिया। मुझे नहीं लग रहा कि भाई शेडो के सामने अब जल्दी से कोई टिक पाएगा, क्योंकि भाई मेरा वेपन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि मैं 23 लेवल भी जल्दी अचीव कर लूँगा। तो अभी फाइट करते हैं चैलेंज में, जो कि इसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है। और यहाँ पे बोल रहा है हेल्थ रिस्टोर ओवर टाइम फाइटिंग। ओके मैं भाई कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, अभी शेडो वर्सेस लिली यहाँ पे फाइट होने वाली है। यहाँ पे गाइस लिली भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से हार चुकी है हमसे, तो भाई कोई भी नहीं हमारे सामने टिकने वाला है। देखते हैं अपनी एनर्जी कब तक टिकेगी, तब तक हम लड़ेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार खेलने में। तो यहाँ पे बता रहा है आपके 22 लेवल की वेस्ट हेलमेट वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ फाइट होने वाली है शेडो वर्सेस मंगूस।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे शेडो ने मंगूस को काफी ज्यादा इजिली हरा दिया क्योंकि अपना वेपन भाई काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे मेरी एनर्जी हो चुकी है डिस्चार्ज, तो इसको चार्ज होने का वेट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं, बाकी काफी ज्यादा मजा आया खेलने में। तो अगर आपको वीडियो में मजा, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी कमेंट में जरूर से बताना कि भाई आपको ये वाला वेपन कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।